से स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर बी एस सत्यार्थी फ्रॉम ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ। यू नो दैट आवर कॉलेज चैनल ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ यूट्यूब कंटेन्स मटेरियल फॉर ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, बट देयर इज़ ए डिमांड फ्रॉम स्टूडेंट्स दैट सम वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स which is called nuances and intricacies about the law should be also placed. So from today, I like to place certain things which are of daily use to students when they are studying law, but they are not able to understand what these things are. For example, LLB. What is full form of LLB? बैचलर ऑफ लॉज। डबल एल का मतलब है वो प्लूरल हो जाएगा, दो एल के बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा, दो एल के बाद डॉट आएगा, फिर बी के बाद डॉट आएगा, तो बैचलर ऑफ लॉज। यहाँ डबल एल का मतलब है प्लूरल लॉ का। सिंपल टर्म्स में बताना चाहते हैं, वी कैन गो ऑल्सो इन डिटेल बट आई डोंट वांट। तो ये हो गया, से LLB का फुल फॉर्म हो गया। अब आते हैं, आपने देखा होगा कि लॉ में ड्राफ्टिंग वर्ड बहुत यूज होता है। ड्राफ्टिंग, व्हाट इज ड्राफ्टिंग? यू नो, हम इसको राइटिंग कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग क्यों कहते हैं? ड्राफ्टिंग का मतलब है जिसका ऑलरेडी ड्राफ्ट है, लीगल ड्राफ्ट अवेलेबल है। उसी फॉर्मेट में हमें जब कोई चीज डॉक्यूमेंट बनाना होता है लाइक प्लीडिंग, सो इट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ डीड। आपने देखा हो ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था पहले। सो दैट वे इन लॉ वी टॉक से दैट इट इज ड्राफ्टेड। यू नो, फॉर्मेट्स ऑफ ऑल थिंग्स लाइक वकालतनामा, जमानत, एग्रीमेंट, एफिडेविट आदि आदि सारे पड़े हुए हैं, बस ओनली थिंग है हमें इन्हें यूज करना है। अगला टर्म आता है एफिडेविट। व्हाट इज एफिडेविट? एफिडेविट शपथ नामा, या कोई भी व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है तो किसी अथॉरिटी के सामने करता है। अथॉरिटीज कहाँ डिफाइन किए गए हैं लॉ में? आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू अ लिटिल एक्सटेंट इन आर्टिकल 13 ऑल्सो। व्हेन वी टॉक दैट जुडिशरी इज अथॉरिटी, एग्जैक्टली स्पीकिंग जुडिशरी इज नॉट अथॉरिटी, बट इट इज अथॉरिटी व्हेन इट इनेक्ट्स लॉ, व्हेन इट गिव्स लॉ। सो अथॉरिटी के सामने जब हम कोई भी कंटेंट्स की शपथ लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एफिडेविट। अब एफिडेविट दो तरह के होते हैं, एक होता है नोटरी के सामने एफिडेविट, एक होता है ओथ कमिश्नर के सामने एफिडेविट। वाट इज नोटरी? नोटरी इज पब्लिक नोटरी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है। इसके लिए बाकायदा एक्ट है, नोटरी एक्ट 1949 1951। बट फॉर दिस पर्पज ऑलरेडी वन वीडियो इज देयर ऑन अवर चैनल, प्लीज सी व्हाट इज नोटरी। सो आउट ऑफ कोर्ट का कोई वर्क है और उसके रिलेटेड हम एफिडेविट जब देते हैं, सो इट इज नोटराइज एफिडेविट। Attested, notarized means attested by notary, public notary. I already told there are two types of the notaries. One is public, this is state notary. Second is All India notary, that is central government notary. Second type of affidavit is which is given along with the documents to be submitted in the court. So that is called affidavit before the oath commissioner, through the oath commissioner. कोई भी अथॉरिटी है उसके सामने एफिडेविट ओथ दी जाती है तो उसको ओथ कमिश्नर कहते हैं। ओथ कमिश्नर और नोटरी में दोनों में अंतर है, इसे हम अगले वाले वीडियो में बेशक बता सकते हैं। ओथ कमिश्नर कौन होता है? ओथ कमिश्नर एक्चुअली इसका पूरा नाम है ओथ कमिश्नर ऑफिसर। हर कोर्ट में जो नए वकील आते हैं LLB करके, एनरोलमेंट करके, जिनके पास काम नहीं होता है, उनको उस कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो पावर है कि वो उनको कुछ काम दे दिया जाए। उनमें सबसे पहला काम है ओथ कमिश्नर ऑफिसर का वर्क दे देते हैं, सो दैट
उनको जो नए मुकदमे या किसी तरह की एप्लीकेशन फाइल होती है, आपने देखा होगा कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल होगा तो उसके साथ में एफिडेविट लगेगा, एंड एफिडेविट होता है वो ओथ कमिश्नर का होता है, तो उनको वर्क मिलता है, उसके बाद जो भी उनके चार्जेज होते हैं वो मिल जाते हैं। सो ओथ कमिश्नर ऑफिसर इज दिस वन, सो दिस आई क्लैरिफाइड सर्टेन पॉइंट्स, व्हाट इज LLB, व्हाट इज VLLB, LLB का पूरा फॉर्म क्या है, नोटरी क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट में ध्यान रखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लोज है वो होता है जो भी एफिडेविट देता है वो सॉलेमली एफर्म, उसका पॉइंट आता है, पहला क्लॉज आता है आई मिस्टर सन ऑफ दिस एज दिस रेजिडेंट ऑफ दिस सॉलेमली एफर्म दैट, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर। उसके बाद आता है आई हियर बाई वेरीफाई द कंटेंट्स एवब टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, और इसको कौन करता है, अटेस्ट, नोटरी। नोटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एफिडेविट बना है वो उसके सामने आके उसने शपथ ली है और सामने उसने दस्तखत किए, इतना है, उस कंटेंट सही है गलत है इसकी ड्यूटी नोटरी की नहीं है। नोटरी इज रेस्पॉन्सिबल ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट हैज़ बीन साइंड एंड ओथ इज टेकन इन हिज प्रेजेंस एज अ नोटरी। ओके, वेल ओथ कमिश्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इवन कंटेंट्स का वेरिफिकेशन है कि जो कंटेंट्स उसमें एफिडेविट में लिखे गए हैं वो सही होने चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू, और इसके बारे में कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, दे कैन वेरी वेल टॉक टू मी, माई नंबर इज अवेलेबल विद एवरीबडी, एंड ऑल्सो दिस वीडियो विल गो इन द ट्रेजरी ऑफ अवर ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ चैनल, और जिसे पसंद आए वो इसको सब्सक्राइब भी कर सकता है, और कोई परेशानी होती है तो बात भी कर सकता है। योर कॉलेज इज डूइंग द बेस्ट, वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एक्सरसाइज, लीगल राइटिंग एक्सरसाइज मूट कोर्ट विच विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1st of July, फॉर विच वी हैव गिवन नोटिफिकेशन ऑलरेडी टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स विल टेक एडवांटेज, बिकॉज अंटिल वन स्टूडेंट ऑफ LLB नोज द लीगल राइटिंग, लीगल ड्राफ्टिंग, देर इज नो मीनिंग ऑफ डूइंग LLB। सो वी हैव इंट्रोड्यूस दिस, एंड ऑल्सो द मूट कोर्ट, मूट कोर्ट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज देर इज नो मीनिंग ऑफ डूइंग LLB। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।